नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर रीवा जिले से है, जहां भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा का एक दिवसीय नगरीय निकाय जन प्रतिनिधि प्रशिक्षण वर्ग आज शहर के वृंदावन गार्डन छिरिया में संपन्न हुआ, जिसके उद्घाटन 10:15 पर किया गया। इस उद्घाटन समारोह में रीवा जिले के विधायक एवं सांसद मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक सांसदों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। बताया जा रहा है कि यह जिला प्रशिक्षण वर्ग एक दिवसीय चलेगा, जिसमें नगरीय निकाय जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आइए दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने क्या जानकारी दी है। नगरीय निकाय जन प्रतिनिधि जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे रीवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, इस अवसर पर उद्घाटन सत्र के अवसर पर हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री हमारे रीवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, हमारे मनगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पंचूलाल प्रजापति जी, हमारे सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय युवा विधायक मित्र केपी त्रिपाठी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री बड़े भाई आदरणीय राजेश पांडे जी, और यह जो हमारा जिले का प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हो रहा है, इस प्रशिक्षण वर्ग संचालन समिति के प्रमुख जिले के मंत्री अशोक सिंह गहरवार जी यहाँ मंच के सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रानी अर्जुन सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नगर निगम के अध्यक्ष जो कि आज इस प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, हमारे रीवा जिले के सभी 12 नगर पंचायत और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनके विधानसभा बार प्रशिक्षण सम्पन्न हुए। आज यह प्रशिक्षण हमारे नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का है। इस प्रशिक्षण वर्ग के मामले मैं कहना चाहूंगा कि इसके दो भाग हैं। एक तो यहां से जो हमें विषय प्रवर्तकों के द्वारा भाषण के माध्यम से जो हमारे बीच में विषय रखे जाएंगे, आप लोगों के पास यह एक पैड है, इस पैड में सारा दिनक्रम दिया हुआ है। पहला सत्र हमारा भाजपा विचार कार्य पद्धति हमारा समन्वय, ऐसे ही लोक व्यवहार, सोशल मीडिया, भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, अंत्योदय से नगरोदय और बढ़ता भारत बढ़ता मध्य प्रदेश, हमें इन विषयों पे हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे आज के जो विषय प्रवर्तक हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर प्रशिक्षण वर्ग की सार्थकता सिद्धता होगी कि हम जब भी हमारे सत्र चले, उन सत्रों में यहां से हमें जो भी बताया जाए, जो भी हमारे विषय प्रवर्तकों के द्वारा विषय रखा जाए, उसे हम पूरे मनोयोग के साथ सुनने का प्रयास करें। एक आग्रह और रहेगा कि हमको यह जो पैड मिला है, यह पैड सिर्फ हमारे सुंदरता की वस्तु या सिर्फ उस फाइल में डले रहने के लिए नहीं है। यहाँ जब भी सत्र चले तो हम लोग इस पैड का उपयोग करें। कई ऐसी चीजें आएंगी, कई ऐसे विषय आएंगे जिनको अगर हम नोट करेंगे तो हमारे लिए उपयुक्त होगा। पहला हिस्सा जो होगा हमारा वैचारिक का, दूसरा हिस्सा हमारा है कि प्रशिक्षण यानी प्रतिक्षण। आप जब से पंजीयन आपने किया और पंजीयन करने के बाद अंदर आए, तब से आपका प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तब से आप देख रहे होंगे कि अभी सत्र के पहले फिसल बजी तो अल्पाहार का समय है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी और क्षण क्षण जैसे इस सत्र के बाद अगला सत्र इस दिन क्रम में है, तो यहां से बुलाना ना पड़े, हम स्वयं ही उससे 2 मिनट पहले अपने अपने स्थानों में बैठ जाएं, यह एक अनुशासन भी होना चाहिए। इस अनुशासन में तब इस वर्ग की नहीं सार्थकता होगी। तो निश्चित तौर पर जहां हमारा
वैचारिक प्रबोधन होगा, वैचारिक रूप से हमें सीखने समझने का अवसर मिलेगा, वही हम भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे। पार्षद आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी का, विशेष अतिथि आदरणीय श्री नागेंद्र सिंह जी विधायक है, विशेष अतिथि आदरणीय कंसुलर प्रजापति श्रीमती मुक्ति राय जी पुष्प गुच्छ से।